हे माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। हाउज़ यू? आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल ईद में कुछ नए पैटर्न्स आते रहते हैं फैशन के अकॉर्डिंग, और हम लोगों को वो आउटफिट पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे होते हैं। तो 2022 की ईद में कौन सी आउटफिट ट्रेंड्स में चलने वाली है, आज की इस वीडियो में मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 4 आउटफिट शेयर कर रही हूँ जो 2022 की ईद में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चलेंगे और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लगने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ये वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कर देना। जो भी गर्ल्स सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि सीक्वेंस वाले फैब्रिक कितने ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं। तो 2022 की ईद में इस तरीके के सीक्वेंस वाले फैब्रिक का बहुत ही ज़्यादा आउटफिट ट्रेंड्स में चलने वाला है। तो इस फैब्रिक से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के आउटफिट को स्टिच करवा सकते हो, जस्ट लाइक सूट पैंट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस तरह से आपको सूट पैंट को स्टिच करवाना है। एंड सेकेंडली, आप शरारा गरारा के पैटर्न को भी स्टिच करवा सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी पाई कर सकते हो। ये रेडीमेड आउटफिट भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं। एंड अब प्लाजो सूट्स भी, सीक्वेंस वाले सूट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं। आप इस तरीके के ग्लिटरिश वाली फैब्रिक जो होती है, जिसको सीक्वेंस वाले फैब्रिक कहते हैं, आप इस तरीके के आउटफिट को इसे स्टिच करवा सकते हो, एज वेल एज आप रेडीमेड भी ले सकते हो। ये ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं गाइज। सो गर्ल्स, 2022 की ईद में आप इस तरीके के आउटफिट को ज़रूर बाय करना, आप काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश दिखोगे। और इस तरीके के आउटफिट, जैसे कि आप लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं, तो आप ज़रूर ज़रूर से बाय करना। चलिए, तो हम सेकेंड आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से ज़्यादा आप ट्रेंड्स में चलने वाले हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट आउटफिट, सेकेंड आउटफिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो लेडीज़, 2022 की ईद में इस तरीके के पेपलम शरारे का भी ट्रेंड चलने वाला है। तो इस तरीके के पेपलम शरारे जो होते हैं वो जॉर्जेट के फैब्रिक के बने होते हैं और इसमें धागे के बहुत महीन से वर्क होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हेवी एम्ब्रॉयडरी का होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइज, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहा है और 2022 की ईद में मेक श्योर करने की ये चलने वाला है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका ये है कि आप शरारा सूट्स या पेपलम शरारा वाले स्टाइल के जो पैटर्न होते हैं, आप उस तरीके के आउटफिट को भी बाय कर सकते हो, अगर आपको ईद में ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलना और फैशनेबल दिखना है तो। ओके लेडीज़, तो अब हम कुछ ड्रेसेस के पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो 2022 के सूट्स के लिए आप स्टिच करवा सकते हैं। तो आप इस तरह के जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, जो सर्कुलर मोशन में कटिंग है, इस तरह के सूट्स में जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं। तो अगर आप स्टिच करवा रहे हो, तो आप इस तरह के सूट्स के डिज़ाइन को स्टिच करवा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने जितने भी कलर्स शेयर किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं। तो मेक श्योर कर लें कि कोई भी आउटफिट को लेने से पहले आपको कलर को भी चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो गाइज़, आप इस तरह के कलर्स को चूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये लाइट जितने भी शेड होते हैं, लाइट स्काई, ये ब्राउन और जो ग्रीनिश टाइप होते हैं, पैरट ग्रीन एंड पीच कलर, ये सारे के सारे कलर्स ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं गाइज़। तो 2022 की ईद में आप जितना ही लाइट कलर लो और जितना ही न्यूड शेड टाइप जो आउटफिट होते हैं, अगर उस तरीके के कलर को आप चूज़ करते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल दिख सकते हो। ओके लेडीज़, तो हमारा लास्ट और फोर्थ आउटफिट जो होने वाला है वो है पाकिस्तानी सूट्स। पाकिस्तानी सूट्स जो जिस तरह के मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर किए हैं, ये नेट फैब्रिक के जो होते हैं और जो है शिफॉन और जॉर्जेट फैब्रिक के होते हैं, इस तरह के जो पाकिस्तानी आउटफिट हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं। आप यहाँ पे नीचे में उसका सूट्स का भी कट देख सकते हो। यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में कटिंग होती है, वो पाकिस्तानी सूट्स में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है गाइज़। एंड आप इस तरह के सूट्स के नीचे जो लेसेस होते हैं, उस तरह के लेसेस को भी बनवा सकते हैं। एंड नहीं तो आप पैंट्स पे भी कुछ इस तरीके के लेसेस जो होते हैं, आप उस तरीके के पैंट्स में भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहा है गाइस, तो आप पाकिस्तानी सूट्स में ब्लैक कलर भी चूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ मैं न्यू टॉपिक पे आपके साथ। बाय बाय।